24 घंटे में 45,000 से कम आए कोरोना केस, 911 संक्रमितों की मौत। अब मसूरी में प्रवेश करने से पहले दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, भीड़ बढ़ने पर हुई सख्ती। दिल्ली कैबिनेट ने रियल टाइम सोर्सेज अपोशमेंट स्टडी को दी मंजूरी, प्रदूषण के स्रोत रियल टाइम में होंगे ट्रायल। गंगा में नहीं पाए गए कोरोना वायरस के निशान, रिसर्च के बाद नदी कोविड फ्री घोषित। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार, उठाएगी पूरा खर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए वोटिंग होने वाली है। इसके लिए मतदान आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, उसके तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और फिर परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें कि नामांकन वापस के अंतिम दिन 349 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नामांकन के दौरान राज्य के कई जिलों में हुए बवाल, तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग की घटनाओं को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने होने वाले मतदान को लेकर सभी तैनात प्रेक्षकों और जिलाधिकारियों को पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराए जाने के निर्देश दिए हैं और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, उन्नाव की है, जहां पर मतदान को लेकर किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस सतर्क है, ताकि जिस तरह के उपद्रव और बवाल हमें नामांकन के दौरान देखने को मिला, उस तरह का मतगणना के दौरान ना देखने को मिले। मतदान और मतगणना आज दोनों एक ही दिन है, आपको बता दें, जिसको लेकर पहले मतदान किया जाएगा, उसके बाद तुरंत मतगणना भी हो जाएगी। वहीं पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो सके। तो ब्लॉक प्रमुख पद के 476 पदों के लिए वोटिंग है, 300 से अधिक निर्विरोध पद चुने गए हैं। तो आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं जहां तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। 11 बजे से चुनाव शुरू होगा। वहीं आजमगढ़ से राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, आज मतदान और मतगणना एक ही दिन है, क्या कुछ तैयारियां हैं? आजमगढ़ में 22 ब्लॉक है, इसमें भी 5 भाजपा ने अपना निर्विरोध चुनाव अपना जीता हुआ है, जो सशक्तता के बल में है, और 17 जो ब्लॉकों में जो चुनाव होना है वो आज कुछ देर में मतगणना होगी और कुछ देर बाद 3 बजे बाद उसका मतदान गिनती चालू हो जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई, 4-4 पूरी व्यवस्थाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आज चुनाव को लेकर, हर जगह पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह से बवाल मचा और परेशानी उत्पन्न हुई, उस तरह का नजारा एक बार फिर देखने को ना मिले। तो अभी हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, कुछ ही देर में मतदान जो है वो शुरू किया जाएगा, लोगों के द्वारा मतदान किया जाएगा। तो केंद्रों पर कोई किस तरह की तोड़फोड़ बवाल ना हो, उसको लेकर ये सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं आज, 300 से अधिक सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं लोग, 825 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर आज 476 सीटों पर मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद मतगणना भी शुरू हो जाएगी, फिर परिणाम घोषित किए जाएंगे। 339 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नामांकन के दौरान राज्य के कई जिलों में बवाल, तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग की घटनाओं को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने होने वाले मतदान को लेकर सभी तैनात प्रेक्षकों और जिलाधिकारियों को पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराए जाने के लिए निर्देश दिए हैं और पोलिंग बूथ और पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं लखीमपुर से भी हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं संवाददाता। हिमांशु, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लखीमपुर में क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं?
जी जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, लखीमपुर में 9 ब्लॉकों पे पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जहां तक की बात करते हैं पसगवा कांड के बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के फॉर्म में आ चुका है। निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी पूरे 9 ब्लॉकों में नजर आ रही है। अब बात करते हैं पसगवा कांड की। जैसे पसगवा कांड में शर्मसार कांड होने के बाद प्रशासन इस तरीके से रुझान ले रहा है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के मूड में है। जी कहीं ना कहीं लखीमपुर में जिस तरह से महिला के साथ नामांकन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं स्तब्ध कर दिया, क्योंकि इस तरह की घटना होना चुनाव के दौरान नामांकन के दौरान बेहद ही दुखद है। और उसके बाद चौकसी हिमांशु और भी ज्यादा बढ़ा दी गई होगी। जी जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे हर स्तर पर जहाँ पे 9 केंद्र है, 9 केंद्रों के ऊपर इस तरीके से पुलिस मुस्तैद है। जिस तरीके चप्पे चप्पे पे छतों पे देखी जा सकती है, सड़कों पे देखी जा सकती है, 9 केंद्रों पे इस तरीके से पुलिस व्याप्त है कि कहीं से कोई गुंडागर्दी या कोई अपहरण या कोई इस तरीके से अभद्रता वाली घटनाओं को अंजाम देने में बड़ी ही मुश्किल लोगों को लग रही है। पीएससी का भी सहारा लिया गया है हिमांशु, वहाँ पर पुलिस फोर्स किस हद तक तैनात की गई है? जी जी, आपको बताना चाहेंगे एसएसबी की भी कुछ टीमें कई ब्लॉकों पे मौजूद हैं और भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, लगातार नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि मतगणना और मतदान है आज। तो सबसे अहम है ब्लॉक प्रमुख का आज मतदान होगा 3 बजे तक, उसके बाद मतगणना की जाएगी। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तैयारियां दुरुस्त कर ली गई है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, पुलिस भारी बल के साथ मौजूद है ताकि जो चीजें नामांकन के दौरान हुई वो दोबारा ना हो। वहीं उन्नाव के बारे में बताने के लिए सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मैं आपसे आना चाहूंगी, उन्नाव में आप क्या तैयारियां देख पा रहे हैं मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो उन्नाव जनपद है इसमें कुल 16 ब्लॉक है, 16 ब्लॉकों में से जो 11 विकासखंड है उनमें जो निर्विरोध चुनाव हो गया है, जबकि जो बचे 11 विकासखंड है उनमें कुल 26 मतदाताओं के साथ 26 प्रत्याशियों के साथ 857 मतदाता आज मतदान करेंगे और 26 में से अपने 11 नए ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे, जिसके बाद से ब्लॉक का संचालन होगा। लेकिन आपको जो बड़ी बात बता दें कि जिस तरीके से नामांकन के दौरान जो विवाद हुए थे, मारपीट व सपाइयों और भाजपाइयों के बीच जो झड़पें हुई थी, जिसके लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चुस्ती से डटा हुआ है, सख्ती से लगा हुआ है और चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि जो नामांकन के दौरान जो मारपीट घटना हुई थी उससे कहीं ना कहीं जनपद की किरकिरी हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त व मुस्तैद है। जी ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उन्नाव में भी जिस तरह से सपा और भाजपा में बवाल हुआ प्रत्याशियों के बीच, उसको लेकर उन्नाव में भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई। हालांकि कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध भी चुने गए हैं भाजपा के प्रत्याशी, लेकिन मतदान को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहती, किसी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि इस बार गलती अगर होती और इस तरह का बवाल होता है तो पहले से ही पुलिस ने अपनी तैनाती कर रखी है और अधिकारियों द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि इस तरह की लापरवाही दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने उन पर जमकर निशाना साधा है। सुनील सिंह साजन ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव ने इस सरकार के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। प्रदेश में अपराध के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए बीजेपी के लोग भेड़िए बन गए हैं और अब इन भेड़ियों का वध हमारी जनता आने वाले 2020 के चुनाव में करेगी, 2022 के चुनाव में करेगी। आप भी सुनिए सुनील सिंह साजन का ये बयान। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में योगी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी। अपहरण, हत्या, फर्जी मुकदमे, बहनों की साड़ियां खींची जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भेड़िए बन गए हों और इन भेड़ियों का वध 2022 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता करेगी। और जो अधिकारी शामिल हैं इस लोकतंत्र की हत्या में, वो भी तैयार हो जाएं जेल जाने के लिए। आज ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान होना है। जिस तरीके से पर्चे फाड़े गए हैं, जबरन अपहरण हुआ है, आज भी उम्मीद है कि ये योगी सरकार और जिले के जो प्रशासन है वो तांडव करेंगे। तो हम निर्वाचन आयोग से कहेंगे, अनुरोध करेंगे, माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि कम से कम लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए आज उत्तर प्रदेश पर नजर रखें।
तो आपने ये बयान सुना सुनील सहजन का कि उन्होंने न्यायालय से और चुनाव आयोग से ये अपील की है कि वो आज मतदान और मतगणना में नजरें बनाए रखें। वहीं बढ़ते आगे, अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में रस्साकशी का माहौल चल रहा है। यहां भाजपा के सात सात निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में दावेदारी कर रहे हैं। इसी वजह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने का सिलसिला भी जारी है। आज अलीगढ़ के अतरौली ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशी ममता देवी ने अपना नामांकन वापस लिया। नामांकन वापस होने पर ही ये चुनाव अब निर्विरोध देखा जा रहा है। ममता देवी के नामांकन वापस के समय भाजपा से एटा सांसद राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि अतरौली क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का गढ़ है और माना जाता है कि कोई भी प्रत्याशी भाजपा के विपक्ष में अपनी दावेदारी नहीं करता है। सर, हम जब पर्चा भर के जा रहे थे यहाँ से तो हमारे रास्ते में डॉक्यूमेंट्स गिर गए। डॉक्यूमेंट्स गिरने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हमने यहाँ से पर्चा फिर वापस लेना पड़ गया। देखिए, ममता देवी जी ने पर्चा भरा था, आज उन्होंने सबके बीच में बैठकर ये तय किया है कि मुझे अपना नाम वापस लेना है और अतरौली की ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निर्विरोध करवाना है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ उनके इस अच्छे। रायबरेली के मुंशीगंज स्थित एम्स में लंबे समय बाद 300 बेड की क्षमता वाले अस्पताल की ओपनिंग हुई है। इस 300 बेड वाले अस्पताल का शुभारंभ होने से जिले के लोगों को ही नहीं बल्कि गैर जनपद से आए रोगियों को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के समय मौके पर मौजूद प्रोफेसर अनिल राजवंशी ने कहा कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। धीरे धीरे सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा और जल्द ही सर्जरी और कैंसर के मरीजों का भी इलाज शुरू होगा। आज हमने इन्फेक्शन सर्विसेज भी शुरू की हैं। यहाँ पे इस बिल्डिंग में 681 बेड हैं, पर अभी केवल 300 कार्यान्वित किए गए हैं, जिसमें 150 बेड को कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है, आरक्षित किया गया है, ताकि अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो उनको दाखिल करके उनका उपचार किया जाएगा। बाकी जो 150 बेड आज हमने शुरू किए हैं उसमें गायनी, ENT, आई मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, इन सब की उपचार। यूपी के हर जिले में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 8 तारीख को नामांकन हुए। कानपुर देहात के ब्लॉक राजपुर में नामांकन के दौरान सपा भाजपा समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई थी। आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान शुरू हो रहा है। वहीं इसके बीच भाजपा प्रत्याशी ने दोनों नामांकन पत्र वापस ले लिए, जिसके भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली। वहीं जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने बीमारी के चलते नाम वापस ले लिया। आज होने वाले मतदान में सपा और निर्दलीय प्रत्याशी की टक्कर होगी, जिसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, जिससे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के अलावा मतदान स्थल एवं ब्लॉक परिसर के आसपास कोई प्रवेश ना कर सके और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देश पर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे यहाँ राजपुर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में महेश चंद जी के 2 सेट जो जमा किए थे नामांकन में, वो 2 सेट उन्होंने दोनों सेट वापस ले लिए। अब वर्तमान में हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार रह गए हैं, श्री राकेश बाबू जी और श्री ज्ञानेंद्र यादव। कल जो निर्वाचन होना है, मतदान होना है, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि मेरे साहब, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी बैरिकेटिंग जो मतदान केंद्र इसके अंदर जो बना हुआ है, मत डाले जाएंगे। जो निकास द्वार है यहाँ से, प्रवेश द्वार जो हमारे सामने आप फोटो में साफ देख सकते हैं, प्रवेश द्वार से इस जगह से जो मतदाता होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, वो इस प्रवेश द्वार से जाएंगे। इसके बाद बोल डालने के बाद इस निकास द्वार से निकलेंगे। जैसे कि निकास द्वार के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई, जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। और पर्यवेक्षक जो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जनपद में पर्यवेक्षक का कल जो दौरा है वो आज लगातार जारी है, निरीक्षण किया जा रहा है। जो अपने कानपुर देहात के जगदीश कुमार पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो लगातार जनपद में विकासखंड में जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है इसके लिए भी वो कड़े निर्देश दे रहे हैं। हालांकि जिस कल को जो नामांकन पत्र दाखिल हुए उस समय सपा और भाजपा समर्थकों के बीच थोड़ा नोकझोंक हो गई थी, उसको लेकर किसी तरीके से पुलिस ने मामले को शांत करवाया। शांत कराने के बाद सुचारू रूप से कड़ी मशक्कत के बाद नामांकन हो पाया था। अब देखने वाली बात ये चीज़ होगी कि यहाँ पे निर्दलीय राकेश बाबू और सपा से ज्ञानेंद्र यादव 2 प्रत्याशी हैं, अब जीत का सेहरा किसके सर पे पहनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। कानपुर देहात से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज 11 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। इसी के मद्देनजर रायबरेली में पुलिस प्रशासन ने इलाके में मार्च किया। लालगंज क्षेत्र में CO अंजनी चतुर्वेदी और SDM विनय मिश्रा ने भारी संख्या के साथ
पुलिस बल के साथ मिलकर पैदल मार्च किया। साथ ही कई जगहों पर भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशियों से सीधे टक्कर भी हुई। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के मद्देनजर सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मतदान और मतगणना कराने के लिए कार्यों की समीक्षा की। नियमों का पालन कराते हुए वोटिंग को संपन्न कराने की बात कही गई। पोलिंग बूथ पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदान के लिए आने वाले लोगों से खास अपील की गई है कि कोरोना के नियमों का सही तरीके से पालन करें। किसी भी दशा में जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। जैसे कि 500 मीटर दूर पे सारे बैरियर बनाए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो वाह बैरियर है उससे केवल वोटर यानी वीडीसी अपने जो जीते हुए सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन के साथ वहां पे पहुंचेंगे, वोट डालेंगे और चले जाएंगे। 11 बजे से 3 बजे तक ये मतदान होगा, 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी। उसके बाद जनपद स्तर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे निर्वाचन की घोषणा करेंगे और उनको सर्टिफिकेट निर्गत कराएंगे। सभी जिन 13 ब्लॉकों पे चुनाव होना है सब में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता है और बता दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी आदमी, किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति को जो वोट की प्रक्रिया में शामिल हो रहा है और उसके लिए बोनाफाइड है, उसको किसी भी तरह से कोई अगर बाधित करेगा, भयकारित करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छोटी गंडक नदी में एक महिला अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर कूद गई। महिला के दूसरे बच्चे ने मदद के लिए घटना की जानकारी बाकी लोगों को दी। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अब दोनों की तलाश में जुट गई है। तो बच्चे को लेकर एक महिला नदी में कूदी। हालांकि ये कृत्य महिला द्वारा क्यों किया गया इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सहारनपुर के थाना ननौता इलाके में कर्ज से परेशान होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली कि व्यक्ति के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था और इस वजह से काफी परेशान भी था। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बॉडी आई है करीबन 3:45 पे। नाम है कुंवरपाल, उम्र है अराउंड 55 ईयर और सन ऑफ कैलाश चंद, रहने वाले हैं मुरादखेड़ी नकुड़ के। डेथ किस तरह हुई है ये तो कुछ पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन उनके जो लड़के हैं गौरव वो लेके आए थे इन्हें अभी। कितने बजे आए थे ये? 3:45 पे। गंगा नदी में कोरोना वायरस के निशान नहीं मिले हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पीओ साइंसेज लखनऊ के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 2 महीने की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने नदी में को कोविड फ्री घोषित किया है। उन्होंने वायरस की मौजूदगी को गोमती नदी में सितंबर 2020 और इस साल 21 मई को पाया था। BHU में जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक गंगा में कोरोना वायरस के संभावित अंशों की जांच के लिए दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों ने 7 सप्ताह तक हर सप्ताह 2 सैंपल 15 से 3 जुलाई तक वाराणसी शहर से इकट्ठा किए। टीम ने RNA निकालकर सभी सैंपल का RT-PCR टेस्ट किया। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों और इंस्टीट्यूट में कोविड लैब के प्रमुख नीरज राय के हवाले से कहा गया है कि हैरानी की बात है कि गंगा से इकट्ठा किसी भी सैंपल में वायरल RNA के निशान नहीं दिखे। हालांकि गोमती नगर से बटोरे गए सैंपल में वायरस RNA की मौजूदगी दिखी। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आज पहले से गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,393 नए कोरोना केस हैं और 911 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इससे पहले बुधवार को 45,892 नए केस आए थे। वहीं 24 घंटे में 44,291 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1977 एक्टिव केस घटकर 8 जुलाई तक देशभर में 36,79,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। बीते दिन 40,23,000 टीके
लगाए गए हैं। वहीं अभी तक करीब 42,70,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। आईएमडी के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में मॉनसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। आईएमडी ने एक वक्तव्य में कहा, दिल्ली पश्चिम उत्तर प्रदेश और के शेष हिस्सों व पंजाब हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे पहले 2012 में मानसून 7 जुलाई को दिल्ली में पहुँचा था, जबकि 2006 में मानसून ने 9 जुलाई को राजधानी में दस्तक दी थी। तो मॉनसून इस बार देर से आया है, इससे पहले लगातार ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार मॉनसून देर से दस्तक दे रहा है। आज दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। तो आज दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। 13 दिनों की देरी से इस बार मॉनसून पहुंचेगा। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।